I'm now going to start a two-dimensional figure. In two-dimensional figure, we discuss the circle, sector of the circle, right? And segment, area of segment, clear? And major segment, minor segment. राइट और मैंने आपसे डिस्कस किया था इसमें क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप. सबसे पहले सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं. डिस्कस सर्कल वंस अगेन. राइट इन सर्कल देखिए सर्कमफेरेंस के बारे में पता है सबको, 2πr है, नो इश्यूज. एरिया है इसका πr² नो इश्यू. ठीक है सर्कमफेरेंस ही आपका इसका पेरीमीटर है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. इसको हाफ पार्ट में कट करते तो ये सेमी सर्कल आ जाता है. अब मेरा जो मेन इश्यू आपके साथ हुआ है सेक्टर के ऊपर, दिस वाज द एंगल, ये मैंने आर्क लगाया ए एंड बी, ओ इज द सेंटर, ज्वाइन किया मैंने ऐसे. तो ये जो स्लाइस का फॉर्म है लाइक दिस वन, लेट एंगल दिस इज थीटा. ठीक इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सेक्टर आपका दिस वन. ठीक तो यहां मैं आपसे एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करूंगा. लेट एंगल थीटा, ओ इज द सेंटर, ए एंड बी आर द टू आर्क्स. यानी इस तरह से मैं मूव किया और ये स्लाइस आपने निकाला. अगर मैं इसको शेडेड भी कर सकता हूं लाइक दिस वन, ठीक एंगल दिस इज योर थीटा. तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपने यूज किया था दिस वन इज योर थीटा एंड होल एंगल इज 360. तो थीटा अपॉन योर एंगल इज थीटा अपॉन 360, ठीक है, इन टू पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये यूज करते हैं आप व्हेन यू कैलकुलेट द एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक फर्स्ट थिंग यानी एंगल निकालना होता है आपको, एंगल गिवेन है कैलकुलेट कर लेते हैं. देन सेकेंड थिंग यानी अगर मैं आपसे इस वाले पार्ट का डिस्कस करूं एरिया मेजर वाले का, तो इसके लिए ट्रिक बता रखी थी मैंने. एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर वाइज वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो आपको इस वाले रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा. तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा दैट इज लेट ए डैश इज इक्वल टू कंप्लीट एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस ए. ये जो पार्ट आपने निकाला है यहाँ पुट कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया. सेकेंड थिंग द थर्ड थिंग अब मैं चाहता हूं इसकी लेंथ निकालना, दिस लेंथ, दिस वन लेंथ यानी लेंथ ऑफ द दिस वन. तो अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूं तो आप सर्कमफेरेंस के मोड पे चलते हैं. अच्छा लेंथ से पहले दो तीन चीजें और जो मैंने आपको मिनट एंड उसके ऊपर डिस्कस की थी, यानी क्लॉक के ऊपर अगर बात करें, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं एंगल को रिलेट करता हूं मिनट से, मिनट के लिए बात करूं यानी मैं यहाँ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ फॉर मिनट, ठीक है मिनट के लिए. तो आप ये बता रहे हैं 60 मिनट यानी मिनट वाली सुई की बात करें, 60 मिनट दैट इज इक्वलेंट टू 360 डिग्री. 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका 60 मिनट होगा. तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री. So 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री. ठीक है तो यानी इसका ये हुआ कि जो मिनट हैंड है रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल रोटेट कर लेगी. क्योंकि क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका सर्कुलर मोशन में मैं इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करूंगा आगे जाके. ठीक है एंड द सेकेंड थिंग आर एंड की बात करूं, ये तो फर्स्ट थी फॉर मिनट, अब मैं फॉर आर एंड वाले की बात करूं तो उसमें कितना आता है आपका 12 आवर्स होते हैं. ठीक है एंगल डिस्क्राइब बाय आर एंड 12 आवर्स यानी 12 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा वो. तो 12 आवर्स दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री. तो 1 आवर कितना आएगा आपका, तो एंगल डिस्क्राइब बाय आर इन 1 आवर. अगर मैं 1 आवर की बात करूं That is 360 divided by 12. Answer आया आपका कितना 30 degree. ठीक यानी that is equal to 1 hour. यानी आप
ट्रिकी क्वेश्चन में 1 आवर को भी ऐसे कंप्लीट रोटेशन में ले जा सकते हैं, इसको इस फेज में भी ले जाके आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आर वाला आ गया, ये आपका मिनट वाला आ गया, जब सर्कुलर मोशन में मैं मूव करूंगा, सेक्टर के थ्रू भी बात करूंगा इसको मैं, ठीक। अब मैं इस पॉइंट, मेरा थर्ड पॉइंट था ये जो मैंने लिखा हुआ था, इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ चाहता हूं, यानी जो लेंथ बना रहा है ये लेंथ कितना है, यानी आर्क ने जो सबटेंड किया है जो लेंथ, उसकी उसकी वैल्यू कितनी है, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ सेक्टर है इस वाले एंगल के ऊपर जो डिनोट करता है। तो सेम वही फंडा यूज करेंगे, एल जो है इसको एल से डिनोट कर रहे हैं, लेट दिस इज योर एल, तो एल क्या है आपका एंगल कितना लिया था आपने, थीटा, ओवरऑल कितना होगा 360 डिग्री, मल्टीप्लाई कितना है 2 पाई आर, तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो एल अपॉन 360 इंटू वाला पार्ट, तो एल अपॉन 360 L अपॉन L क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। तो इस वाली वैल्यू के हिसाब से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो मैंने क्या किया, लेंथ निकाल दी, मैंने एंगल को कैलकुलेट कर लिया, और रेडियस पता है आपको, डायमीटर पता है, एरिया पता है, तो सबसे पहले सेक्टर का ये एरिया निकाला, इस रिमेनिंग पार्ट में क्या करेंगे, टोटल वाले में सेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी a डैश लिखा है मैंने, इसकी जो लेंथ है मैं लेंथ से निकाल सकता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिर मैं इसी सर्कुलर मोशन को अगर क्लॉक में चला जाता हूँ, तो मैंने मिनट वाले को और आर वाले को भी इसमें कन्वर्जन के मोड में ले लिया, यहां से मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मैं किसकी बात कर रहा था, ये आपकी 2D फिगर में मैंने सर्कल का केस लिया उठा के, ठीक है ना, सर्कल के केस से डिस्कस करके मैंने मेजर माइनर इसको डिस्कस किया। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सेगमेंट के बारे में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक। तो ये होते क्या है, सपोज एक ये सर्कल लिया, दिस इज योर सेंटर, ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया पी क्यू, ओ इज द सेंटर। तो अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात की, माइनर मतलब छोटा सा पार्ट, जैसे ये पार्ट है, तो अगर मैं माइनर की बात करूं तो यहां पे इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दिस इज योर माइनर सेगमेंट पी क्यू आर, दिस इज योर माइनर सेगमेंट, यानी इसको मैं शेडेड कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखूंगा इसमें, यहां लिखूंगा पी क्यू आर इज योर माइनर सेगमेंट, पी क्यू आर इज योर माइनर सेगमेंट, ठीक। अगर मैं मेजर की बात करूं आर पे, मैं एस लिख लेता हूं ऐसा करके, अच्छा अगर मेजर की बात करूं तो कैसे पढ़ूंगा, तो इसको मैं पढ़ूंगा पी क्यू एस, ये पार्ट पूरा, देखिए ऐसे एरो बना देता हूं पी क्यू एस, यानी दिस पार्ट, तो पी क्यू एस इस तरह से लिखा मैंने, पी क्यू एस इज योर मेजर सेगमेंट, ये फर्स्ट थिंग, ये सेकंड थिंग बात की मैंने किससे, सर्कल के रिलेटेड, अब मैं बात कर रहा हूं इसका सेगमेंट और इसके एरिया से रिलेटेड चीजें, ठीक है ना। तो दो चीजें तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर ली, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब मैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं, दैट इज एरिया, यानी मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पूछ रहा हूं आपसे। तो जब आप एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करें, जैसे मैं सपोज पी आर क्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, लिख लेता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, इस पी आर क्यू का सेगमेंट का एरिया चाहिए मुझे, सेंटर आप बता रहे हैं ओ, अगर मैं ओ को ज्वाइन कर देता हूं थोड़ी देर ऐसे लाइक दिस वन, तो एक कंप्लीट पिक्चर नजर आ गई मेरे साथ, क्या पिक्चर नजर आ गई, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को निकाल दूं तो ये एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो सेक्टर क्या हुआ, ये हो गया ओ पी आर क्यू, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट, ओ पी आर क्यू माइनस, माइनस करें किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
कौन सा ट्रायंगल? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू को माइनस कर देता हूं। इस पूरे में से इस ट्रायंगल को माइनस करो तो ये माइनर वाला मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की कैसे निकालें? सेक्टर का तो आपका पता है, निकाल रखा आपने सेक्टर का भी, क्या है सपोज ये एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए स्मॉल ट्रिक से बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, नो इशू, मैं उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप इससे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। तो पहले मैं एरिया ऑफ, इसको थोड़ा आप माइंड में सेट कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, OPQ, तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ वही हाफ बेस इनटू हाइट का ट्रिक लगाएंगे। आप सीधे डायरेक्ट यूज करें आर स्क्वायर, आर रेडियस गिवन होगी, जो भी इसका एंगल का हाफ ले लेंगे, साइन ऑफ थीटा बाई टू, कॉस ऑफ थीटा बाई टू। ये मैंने जनरल रिमार्क किया एरिया के लिए, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। कंप्लीट सेगमेंट का आप निकाल चुके हैं, ट्रायंगल का निकाल चुके हैं, इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया माइनस सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर माइनस दिस वन, सेक्टर से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक। तो इस तरह से मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, इन पे मैं बात कर रहा था। तो ये जो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, बाकी क्वाड्रिलेटरल में मैंने काफी डिस्कस किया हुआ आपसे, क्वाड्रिलेटरल में जब मैं आपसे बात कर रहा था पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में, उसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल किया, फिर रोम्बस और स्क्वायर किया, ट्रिपेजियम क्या किया था मैंने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं, सर्कल लिया मैंने, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिसके ऐसे सर्कल जिनके सेंटर तो सेम हो, रेडियाई डिफरेंट हो जाए, रेडियाई इज डिफरेंट, ऐसे सर्कल को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, अब देखो उसके क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 2D फिगर का है, कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक, ट्राइसेक्टेड, जैसे ट्राइसेक्टेड का मैंने मतलब बता दूंगा, जैसे कोई एक AB लाइन सेगमेंट है, अगर मैं बोलता हूँ बाइसेक्टेड तो मतलब टू इक्वल पार्ट कर दू, अगर मैं बोलता हूँ ट्राइसेक्टेड तो इसके थ्री इक्वल, जैसे A1 A2, यानी ये पार्ट फिर ये पार्ट फिर ये पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वल पार्ट, ठीक है। तो कह रहा एरिया ऑफ, आपको उसे दे रखा ये लो, पहले मैं सर्कल एक ड्रॉ कर देता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान से आपके साथ। कह रहा द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको थ्री पार्ट बनाया है और कितने सर्कल बना लिए, तीन। तो इसका लग क्या हुआ, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, दिस इज योर सेकंड सर्कल एंड थर्ड वन इज दिस वन, ये रहा। और ये रेडियस कितना दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है उसने आपको 6, ठीक। अब वो आपसे कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, जो सबसे छोटा सर्कल है, लेट इसका रेडियस आर है, मुझे ये निकालना है। फिर से पढ़ता हूं, द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, रेडियाई ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल ले लिया मैंने स्मॉल आर, और तो मिडिल वाले को भी ले लेता हूँ, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको मैंने ले लिया कैपिटल आर मिडिल वाले को, क्यों लास्ट वाला क्यों, क्योंकि ये तो पूरा पता ही है, ये पूरी आपको 6 वैल्यू पता है, ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट्स किया उसने एरिया वाइज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बिटवीन, अगर फर्स्ट सर्कल को सी और C1 को देख लें, सारे के इक्वल एरियाज आ जाएंगे पार्ट्स में, अगर बात करूं, यानी फर्स्ट वाले के लिए मैं बोल दूं सी बड़े वाले को, मिडिल वाले को C1 बोल दूं, छोटे वाले के लिए C2 सर्कल डिनोट करूं ना, लेट सी
सी वन सी टू ऐसे सर्कल डिनोट करता हूं मैं। सी लेता हूं सबसे बड़े वाले को, सी वन लेता हूं मिडिल वाले को, सी टू लेता हूं सबसे छोटे वाले को, तो इनके बीच का सेगमेंट ही तो इक्वल हो गया। क्यों? बिकॉज एरिया बिटवीन सर्कल सी एंड सी वन, सी एंड सी कौन सा था बड़ा वाला, फिर सी वन छोटा, यानी ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, इस पे बात करें तो इनके डिफरेंसेस भी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि इनके बीच के जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएंगे। दैट इज पाई इंटू सिक्स का स्क्वायर, बड़े वाले के लिए आर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई मिडिल वाला क्या होगा दिस स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इज वॉट दैट शुड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी होना चाहिए। पाई इंटू सिक्स स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मैं देखूंगा ध्यान से ये पार्ट और किसके इक्वल होगा, ये आपके पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाले के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों से मैंने क्या किया, मैंने पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया सिक्स का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। सेम वर्क मैंने यहां भी किया, यहां भी पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने। तो पाई पाई तो सबसे पहले कैंसिल आउट किया इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी, तो ये आ गया सिक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लिख लेता हूँ सिक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैंने क्या, मेरे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ तो सिक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज योर फर्स्ट केस। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ले लिया मैंने सेकेंड केस। तो यहां से इक्वेट किया तो आर स्क्वायर हो गया मेरा टू आर स्क्वायर, दिस इज योर थर्ड केस, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू आर स्क्वायर। अब मैं इसकी आके वैल्यू यहाँ फर्स्ट वाले पुट कर लूं इधर इस वाले पार्ट में तो मेरा स्मॉल आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे निकालेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर आया 12, यस आर स्क्वायर आया 12, और 12 को मैं लिख सकता हूँ टू रूट थ्री, तो ये आ गया मेरा स्मॉल पार्ट वाले का रेडियस, ठीक है। तो इस तरह से अगर कॉन्सेंट्रिक की बात करता है, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करता है तो इस तरह में जा सकता है। फिलहाल मैंने इसमें कोई सेक्टर का या आपका सेगमेंट का कोई केस यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया आपका कौन सा केस, मैंने जो डिस्कस किया है केस आपका वो किया है सिर्फ सिंपल इसका एरिया, और एरिया आपने कैलकुलेट कर रखा है दैट इज योर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल से मैंने क्या किया, बिग वाले को मैंने वापस माइनस कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस मोड में रखूंगा, और अभी जैसे फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, नो इशू। और तो भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, मैंने सर्कल की टचिंग के बारे में आपको बताया था कि सर्कल टच कब करते हैं, दो तरह से होती है टचिंग सर्कल की, या तो इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल टच होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, इनके सेंटर है, ये रहा C1, ये रहा आपका C2, ये रहा R1, ये रहा आपका R2, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 मस्ट R1 प्लस R2। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो दोनों सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल टच पे क्वेश्चन लेते हैं, दो टच है, टू सर्कल टच एक्सटर्नली एंड द सम ऑफ देयर एरिया इज 130, लेट इसका एरिया A1 ले लिया, लेट इसका एरिया A2 ले लिया, तो A1 प्लस A2 दे रखा उसने 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, यानी C1 C2 दे रखी है 14 सेंटीमीटर, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आपसे बोला फाइंड द रेडियाई, यानी R1 के बारे में बताएं और R2 के बारे में बताएं, सम ऑफ देयर एरिया दिया, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, डिस्टेंस दे रखी है
लेट ये आर वन है, आर टू है, तो इसका ना क्या हुआ, ये आर वन है, ये आर टू है, तो इनका डिस्टेंस का सम हो गया आपके पास एक तरह से, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 14, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नाउ सम ऑफ देयर एरिया, इसका एरिया अगर पाई आर वन स्क्वायर है, उसका पाई आर टू स्क्वायर है, दैट इज 130। उसको पहले पुट कर दिया, इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी पाई की कोई वैल्यू दी नहीं है, ठीक है ना, पाई की कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अच्छा, उसने एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने मिसरीड किया, यहाँ पे 130 पाई है, मैं तो समझ रहा था 130 पाई है, क्योंकि पाई पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कराएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका थोड़ा कैलकुलेशन वाइज टिपिकल हो सकता था। उसने सम ऑफ एरिया 130 पाई दे रखा है, राइट, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर 130, ये बनी आपकी सेकेंड, तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से आप आर वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर वन क्या आएगा 14 माइनस आर टू, उसको जाके यहाँ पे पुट कर दें, तो 14 माइनस आर टू का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 130, बन गया आपकी क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर लेंगे, आर टू आ जाएगा, आर टू का यहाँ पुट कर देंगे, आर वन आ जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे तो आर टू कितना आएगा, आर टू आ जाएगा 3, ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, आर टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 को यहाँ पुट करेंगे तो आर वन आ जाएगा, 14 से 3, 14 माइनस 3 तो आर वन आ जाएगा 11। तो आर वन और आर टू को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब आपका केस स्टडी बना कि सर्कल दो बोथ आर टचिंग एक्सटर्नली। ठीक, अब मैं इसी में बात करता हूँ, ये तो सर्कल का एक्सटर्नल टच हो गया, अब मैं बात करूंगा आपसे इंटरनल टचिंग का, यानी सर्कल आप एक दूसरे को इंटरनल भी टच कर सकते हैं, इंटरनल इन द सेंस कि आप क्या होंगे, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, यानी अगर मैं इंटरनल के बारे में बात करूं तो अब कैसे डायग्राम आएगा, अब कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा फर्स्ट सर्कल, ये रहा सेकंड, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक, ये हो गया आपका इंटरनल टच सर्कल का, क्या बोल रहे हैं, टू सर्कल टच इंटरनली एंड द सम ऑफ देयर एरिया इज 116। अच्छा, इस बार उसने दिया 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सम ऑफ देयर एरिया, लेट ये ए वन है, लेट ये ए टू है, तो ए वन प्लस ए टू इक्वल टू 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम कंसेप्ट लगा देते हैं, एक को आर ले लेते, एक आर वन, तो ये हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई, पाई पाई कैंसल आउट, इक्वेशन आ गई आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर इक्वल टू 116, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इंटरेस्टिंग फिगर अब आती है, कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर यानी इसकी बात कर रहा है वो आपसे, ये सी वन है, ये सी टू है। मैं आपको यहाँ बड़ा क्लियर कर दूं कि जो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आर वन आर टू से बड़ा, क्योंकि टचिंग का है तो आपको केसेस लिखने पड़ेंगे, वो इज ग्रेटर वो इज लेसर, ठीक है ना, तो आप बता रहे हैं लेट आर इसका है तो आर वन लिख दीजिए, आर वन ग्रेटर देन आर टू, यानी ये आर वन की रेडियाई है और ये पार्ट है आपका आर टू का, ठीक है, तो बड़े में से छोटा, स्मॉल बिग माइनस स्मॉल ऐसे लिखें, ठीक है, तो आर वन माइनस आर टू ये उसे दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर इज 6 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक, तो ये आ गया आपका आर वन माइनस आर टू, ये फिर से दो इक्वेशन बन के आपकी तैयार होगी, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर एंड दिस वन, सेम प्रोसेस लगाएंगे, आर वन क्या आ जाएगा 6 प्लस आर टू, इसको जाके यहाँ पुट कर दें, तो 6 प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इक्वल टू 116, फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ओपन कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू। आप इस तरह से क्या करेंगे, आर वन और आर टू की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। जब इंटरनल का टच का केस बताया मैंने, फिर आपको डिस्कस किया एक्सटर्नल का केस, ठीक, तो सर्कल में ऐसे केसेस भी होंगे, इंटरनल आ सकता है, एक्सटर्नल आ सकता है। अब मैं थोड़ा सेगमेंट के बारे में भी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे, है ना, तो सेगमेंट के लिए बात करता हूँ, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल,
ये बात की उसने। Gotta find the area of segment of the circle given that angle of the sector is 120 degree. ये दे रखा उसने 120 degree. And the radius of the circle is 21. हाँ, और यहां पर उसने पाई दे रखा है 22/7 कि आप पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हैं। अब उसने आपसे पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, यानी इस पार्ट का एरिया। इन जनरल फिगर हम बात करते हैं, इसी पार्ट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं इन जनरली, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि कैसे निकालना है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर नॉमिनेट करके ओ है, ए है, पी है, बी है, ओ ए पी बी का निकाल लेते हैं। तो बताया था फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120, 360, अभी पाई को पाई रखें, आर कितना है 21 इंटू 21, 37। अब पाई के वैल्यू डाल सकते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 21, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। दिस इज व्हाट दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया। अब आप क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें ओ ए बी। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अभी आपको क्या बता रखा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू। आप सीधे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लें, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। आर कितना है 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, साइन थीटा कितना है 120/2, साइन 60 कॉस 60, ये आपको वैल्यू दे दी जाएगी। या कुछ टेबल आपने 9th बना रखी है, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ये आपको टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू जो आपने बनाई थी 9th में उसका आप यूज करें, ठीक है। तो 21 इंटू 20 साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको मैंने अगर फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू आपने जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, दिस वन, इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस करते हैं, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी जो फिगर आ जाएगी, दैट इज व्हाट दिस फिगर इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। इसकी सेगमेंट की बात करें, क्लियर। तो कुछ इस तरह से आपको हम कैलकुलेशन मोड में ले जा सकते हैं। कब, जब मैं आपसे बात करूंगा 2D फिगर की एंड 3D फिगर की।